अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, यू आर वॉचिंग कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने जा रही हूँ लैम्प चॉप मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। इस रेसिपी से इतनी कोई आला मटन चॉप मसाला बनेगा कि खाने वाले अपनी उंगलियाँ चाटेंगी नहीं बल्कि खा ही जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल में जाएंगे दो तेज़ पत्ते, दो बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, पांच छह लौंग और एक चाय की चम्मच काली मिर्च साबुत। बस एक डेढ़ मिनट के लिए ऑयल में इसे फ्राई करना है। एक किलो मटन की चांपें हैं मेरे पास, वो ऑयल में ऐड करूंगी। दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और पाँच से छः मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए और मटन भी काफ़ी हद तक फ्राई हो जाए। इसमें अब मैं 3 कप पानी ऐड करूंगी। फ्लेम हाई रहेगा जब तक ये अच्छे तरीके से बॉईल होना शुरू हो जाए। देखें, 2 मिनट तक इसी तरीके से बॉईल करना है और उसके बाद लो फ्लेम पे कवर करके मटन को 80% तक कुक कर लेना है। 2 बड़ी साइज़ के प्याज ले लिए मैंने और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन और 5-6 इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली, 1 बड़ी इलायची और 5-6 ही लौंग जाएंगे। इन सब का अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड किया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, 6-7 मिनट लगेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। इधर एक एहतियात ज़रूरी है, प्याज का पेस्ट बनाते हुए अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जल्दी प्याज भुनेगा नहीं। देखें, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें जाएगा 1 कप दही, 3 चाय के चम्मच कश्मीरी सुर्ख मिर्च, 1.5 चाय के चम्मच नमक, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर। अब मीडियम फ्लेम पे भून के अच्छा सा मसाला रेडी करना है। जिस पानी में हमने चांपें गलाई हैं वो वाली यखनी ऐड करूंगी अब इसमें 1/2 कप और दोबारा से अच्छे तरीके से भून के बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी करना है। किसी भी रेसिपी का दारोमदार मसाले पर होता है, अगर मसाला अच्छे तरीके से कुक हुआ है तो रेसिपी ज़रूर अच्छी बनेगी। अब इसमें लैम्प चॉप्स ऐड कर दूंगी जो हमने ऑलरेडी 80% तक गला ली हैं। चॉप्स को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देना है, फ्लेम इधर हाई रहेगा। मैं थोड़ा एहतियात से कर रही हूँ ताकि चॉप्स टूट ना जाएं, वरना रेसिपी की सारी लुक ही ख़राब हो जाएगी। चांपों की यखनी ऐड की, सारी जान इस यखनी में है, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसी तरीके से कुक करूँगी ताकि मसाला और चांपें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएँ। तीन चम्मच इसमें जाएंगे लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच चीनी ऐड करूंगी। इस खट्टे मीठे का बड़ा ही मज़ेदार कोई कॉम्बिनेशन बनता है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे कुक होते, अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक करूंगी। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक करूँगी। देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लैम चॉप्स मसाला रेडी हो चुका है जी। ऊपर से मैंने धनिया के साथ गार्निश कर दिया है, काली मिर्च और बड़ी इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। बहुत ही मज़ेदार मटन चॉप मसाला रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।